भैया राजकुमार जी, हमारे सात भाई में एक बहन शेवंती है। अच्छा, वो बिहाने हो गए। मैंने सुना कि आप यहाँ कुमार है, इसलिए हम लोग पता लगाने के लिए आ गए हैं। अच्छा, क्या भैया ठाकुर जी, क्या भैया जी, क्या आप शादी करेंगे? करना है, जो पूछना है जो पूछिए भैया जी। क्या भैया जी, इसमें भैया जी लड़का खोने के लिए आया हूँ। अच्छा, ये बताए आपको क्या शादी हो रही या नहीं? क्या पता लगाए हैं कि शादी हुआ है नहीं? क्या भैया जी, आप आए हैं तो पता लगाए कि ना आए हैं? ये तो तेरा कहना सत्य बात है, ये कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन सुनिए एक सवाल है। कौन इसी सवाल का सुनाइए, जाओ मैं सुनने के लिए तैयार हूँ भैया जी। राजन, क्या भैया घाटन सिंह, क्या आपको क्या मांग है? मामा लग तिलक मांग है। अच्छा, और कुछ? कुछ नहीं भैया ठाकुर जी। भैया घाटन सिंह, इन्हें मामा लग तिलक मांग है। अच्छा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? तो क्या कि मामा लग तिलक है तो क्या सोचा? मैं तो कुछ भी नहीं समझता, धूल समझता हूँ भैया जी। क्या थोड़ी घाटनपुर की सहमत से मैं इसे धूल समझता हूँ, इतना का इससे भी दुगना मांगता हमारे बड़े भैया ठाकुर जी दे सकते थे। अच्छा, आप बतिया लीजिए उनसे, कम से कम तो बातचीत तो कर लीजिए। क्या राजा साहेब, क्या भैया घाटन सिंह, क्या ये बताए क्या की मामा लाख तिलक है? हाँ, तेरा कहना सत्य बात है, बामा लाख तिलक देने पर तैयार हो। अच्छा, लेकिन एक शर्त है। क्या
शर्त है। सोनिए राजा मैं कह के सुना देता हूँ। भैया ठाकुर जी, भैया जी, मैं एक छोटा भाई होकर, हेलो गणेश जी, मैं ऐसा ऐसा बात मत कीजिएगा ताकि हम लोग शादी में वहाँ के संबंध में आए हैं, ऐसा उल्टा सीधा बात नहीं बोल दीजिएगा कि ताकि हमारे शादी बिगड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया ठाकुर जी। अच्छा ठीक है, बढ़िया से बात आप कीजिए। क्या सोच रहा है? हाँ जो कहना है जो कहिए, आप कहिए, जो अभी मन में रखे हुए हैं जो रख दीजिए, कहिए। हेलो सारा बराती रेखिया उठान चाहिए। अच्छा एक कूढ़ा नहीं चाहिए। या सारा बराती रेखिया उठान चाहिए क्या? हाँ राजा साहब, मेरा बराती सारा बगा रेखिया उठान क्या करवानी? सुनो, सारी बराती रेखिया उठा रहेगा। सारा बराती रखो, ठान चलना है, करवानी इसका चिंता नहीं करना है। नहीं क्या भैया जी? क्या राजन जी, क्या आप हमारे भैया ठाकुर जी कहें वो बात का आप समर्थ है ना? समर्थ है, मंजूर है ना? मंजूर है। तो बताइए कि कब बरात आ रहे हैं आप? कब डेट देते हैं? आज के अठवें रोज बरात आया तो बहुत सुंदर की बात है। तैयारी है? ठीक है, ऐसा बात है ना भैया ठाकुर जी? क्या भैया जी, क्या विचार है? क्या राजा ने क्या कहे?
आज के अठवें दिन बरात आने के लिए बोल रहे हैं। सत्य बात है, अठवें दिन बरात आता है तब रहता है। ठीक है राजा साहेब, आज से अठवें दिन बराती आने के लिए तैयार रहिए। ठीक है राजा, ठीक है आप लोग जाइए। ठीक है अरे चनाल, सारी से आएगा, सारी सामान तेरा से आएगा, लेकिन सुनो दरवानी, गंगा ठाकुर क्या जब जी पता नहीं है भैया जी, देश विदेश में घूमने के लिए गए हैं, ना मालूम राजा शिशुपाल सिंह के पास शादी तय हुआ कि नहीं हुआ, कल ही आगे बढ़ गए इसीलिए आने में विलंब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
हम लोग बैठ के विचार करो। ठीक है भाई, बैठ के विचार कीजिए। भैया जी, भैया ठाकुर चला जाए। इस समय बताए, इस समय लड़का तो खोज के चल चुके हैं। अच्छा, लेकिन इस समय भैया जी से चल तो और बात को रखा जाएगा। रखा जाएगा, ठीक है, चला जाए। और इस समय शुभ काम में देर नहीं करना है, चला चाहिए और चला जा। चलिए भाई घाटम, कहिए कुशल या जिंदगानी का की दिल का मेरे अरमान। अच्छा भैया घाटम जी, क्या कुशल है? सुन ले भैया बात का। क्या सभी कुशल ही कुशल है? मैं पता लगाया तो मालूम पड़ा कि राजसिहली में शिशुपाल सिंह का पुत्र, अच्छा, राणा प्रताप सिंह अभी तक कुमारे हैं। उनसे बातचीत चलाया, उन्हें अपनी बातों के रखें। और क्या कहें भैया जी, मैं कह सुनाता हूँ। लाख तिलख भैया मंगला कर जा
नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर हेमा कुमारी। अगर आप चाहते हैं कि जियो बोका म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।